अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपके साथ, आपका अपना, मुझे कहते हैं उर्स नारेजो, और आप देख रहे हैं यूएन कॉमेडी। जी हां, यूएन कॉमेडी, हंसी का खजाना। हंसाना मेरा फ़र्ज़ है, हंसाना आपको मेरे लिए लाजम है, क्योंकि मैं शायद पैदा इसलिए हुआ हूं। लेकिन उसके साथ साथ हमारे जो मोस्ट सीनियर आर्टिस्ट हैं, बहुत सारे आर्टिस्ट अभी भी मेरे साथ स्क्रीन पे, जिस आर्टिस्ट को आप देख रहे हैं यकीनन आप देख कर पहचान गए हैं, लेकिन फिर भी वही बात कि मुझे बताना ज़रूरी है। ये है हमारे मोस्ट सीनियर अदाकार मिस्टर अली अकबर दलवानी साहब। अली अकबर दलवानी साहब सिंध टीवी, KTN, मुख्तलिफ चैनल्स, सिंधी चैनल्स के, और उसके अलावा PTV के बहुत सीनियर आर्टिस्ट हैं, स्टेज के मंझे हुए अदाकार हैं। तो आज हमारी खुशकिस्मत ये है कि आज हम इनके साथ हैं, और आज मेरी खुशकिस्मत ये है कि मैं इनका इंटरव्यू कर रहा हूँ, मेरे लिए बाइस फ़ख्र है। तो सबसे पहले अकबर साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, और सुनाए साहब क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम सर। आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं आपके साथ हूँ, और आपको देखकर मैं सीखा, तो आज मेरी ये खुशकिस्मती कि मैं आपके साथ हूँ। आप बताएं कि आजकल फिल्मी दुनिया के हवाले से क्या हो रहा है? आजकल जो फिल्मी दुनिया है, वो मेरे ख्याल में सिनेमा स्क्रिप्ट फिल्म जो वो तो ख़त्म हो चुकी है। उसके अलावा जो हमारे यहाँ सिंध में टेली फिल्में होती थी, उनका भी दौर तकरीबन ख़त्म हो चुका है। स्ट्रीट ड्रामे तो काफ़ी अरसे से ख़त्म हो चुके हैं। अभी टेलीविज़न की दुनिया है, अभी हम लोग फिर से स्टेज की दुनिया को आबाद करने की कोशिश कर रहे हैं, दोस्तों के तावन से, उनकी मोहब्बतों से। तो सूरत हाल जो है फ़नकारों के लिए बड़े पेचीदा हैं इस वक्त। सर, इस हाल में भी आप स्टेज को ज़िंदा रखने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि पूरे सिंध में तकरीबन स्टेज ख़त्म हो चुका है, लेकिन फिर भी आप जैसे कुछ लोग हैं जो स्टेज को कर रहे हैं, तो आप क्या कोशिश कर रहे हैं कि स्टेज को फिर ज़िंदा करें? उसमें मेरी कोशिश ये होती है कि स्टेज के जो हमारे अच्छे सीनियर डायरेक्टर हैं, अदाकार हैं, उनको एक जगह पर इकट्ठा करके, जो हमारे साहिब हसद लोग हैं, जो इस सकाफत से मोहब्बत करते हैं, स्टेज से, फनकारों से मोहब्बत करते हैं, तो उनसे मिलकर उनको कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि जो प्रोग्राम होता है, स्टेज ड्रामा होता है, वो फाइनेंशियली तरीके से होता है। प्रोड्यूसर उसका जब तक नहीं होता है, तो उसमें राइटर भी मर चुका होता है, अदाकार भी मर चुका होता है, डायरेक्टर भी मर चुका होता है। अगर इन सब को ज़िंदा करता है, तो वो ज़िंदा करता है प्रोड्यूसर। हम कोशिश कर रहे हैं कि प्रोड्यूसर जो है, ऐसे लोग जो जिनको अल्लाह साईं ने दिया हुआ है, कि वो हमारी सपोर्ट करें। कुछ हद तक उन दोस्तों को कायल करने में कामयाब गए हैं हम, और भी कोशिश है कि उनको ज़्यादा हम कोशिश करके लोगों में वो ऐसे मौजूद हैं। स्टेज ड्रामा और फिल्म भी ऐसी हो जो ऐसी माशरती मसाइल पर हो, जो लोग उसको देखकर कुछ हासिल करें, कुछ हासिल करने की कोशिश करें। तो हमारी कोशिश यही है, इंशाल्लाह आप भी जो है माशाल्लाह अपने YouTube के ज़रिए दूसरे तरीके से जो है काम कर रहे हैं, लोगों में अवेयरनेस जो फैला रहे हो, जागरूकता, माशाल्लाह आपकी बड़ी ज़बरदस्त कोशिश है। जैसे कि ये यहाँ अभी बरसातें हुई थी, तो लोगों को कुछ नहीं मिल रहा था, तो हम आपने मिलकर जो प्रोग्राम किए थे, उनमें भी लोगों को बड़ा पैगाम मिला। तो इस तरीके से हम अपने हिस्से का काम हम लोगों को करना चाहिए। सर, मुझे एक बात के बोलते हुए हंसी भी आ रही है, खुशी भी हो रही है, वो ये कि आप जैसा मंझा हुआ इंसान, जो मतलब देखने में ही माशाल्लाह मतलब एक बाकायदा लगता है कि सुलझा हुआ बंदा, तो एक्टिंग में लोग तो मतलब कुछ कहते हैं कि कुछ ऐसे भी होते हैं, वैसे भी होते हैं, कुछ हल्के फुल्के होते हैं, लेकिन आप हैसियत वाले लोग, तो आपको कैसे शौक़ हुआ एक्टिंग का? मुझे बचपन से शौक़ हुआ, मैं 1985 से इस फील्ड में हूँ। यहाँ सिंध का बहुत बड़ा एक्टर है, अदाकार है, माशाल्लाह मेरा प्यारा दोस्त भी है, जुल्फी शाह बसर बादशाह जी। तो हम एक ही मोहल्ले में रहते थे, शाह मोबिन मोहल्ला। तो छोटे होते थे तो फिल्में देखा करते थे। मुझे जो सुल्तान और मुस्तफ़ा कुरैशी की फिल्में पसंद थी, उनको रंगीला मुनज़री की फिल्में पसंद थी। एक अचानक ये वाक़ा ये हुआ कि उस्ताद प्रिंस मुमताज़ सब्सपोश, वो एक ड्रामे की रिहर्सल कर रहे थे, उस ड्रामे का नाम था डिस्को आश। तो वो हम लोग छुप छुप कर वो देखते थे। तो एक ड्रामा हमने पहले देखा हुआ था, मरहूम हारून जाखरों का सिकिलत हो, तो उसमें हमें शौक़ हुआ कि यार हम भी इस तरीके से अदाकारी करें, लोग हमें पसंद करें, तालियां बजाएं। तो ये हमारी हसरत दोनों की थी, जुल्फी शाह की और हमारी। तो उस ड्रामे की रिहर्सल चल रही थी डिस्को आशे की, तो उनकी दो चार महीने रिहर्सलें चलती रही, उसमें दो चार आर्टिस्ट ऐसे को नाराज़ होकर चले गए। तो हम ऐसे देख रहे थे, तमाशबिन की तरह देखते थे। उस्ताद ने बोला कि अरे हमारे जो को अदाकारी जो शौक़ आए,
मुझे अदाकारी जो शौक था है, जब अचो हम लोग डर गए। उन्होंने हमें जो है बहुत मेहनत की, उस्ताद प्रिंस मुमताज सब कुछ। वो ड्रामा 1985 में इसमें जो म्यूनसिपल कमेटी ठट्ठा है उसमें पेश हुआ, जिसको आशिक के नाम से। उसमें मैंने करेक्टर किया था पठान का, और साईं जुल्फी शाह ने उसमें किया था काठियावाड़ी का करेक्टर। कॉमेडी किरदार था, ड्रामा भी कॉमेडी था। तो इस तरीके से हम इस फील्ड में आ गए, और फिर मुसलसल माशाल्लाह बहुत सारे स्टेज ड्रामे भी किए हैं, टेली फिल्में भी किए हैं, मुख्तलफ चैनलों पर काम भी किया। आपने कभी सोचा था कि आपका इतना बड़ा नाम होगा कि पूरी ना सिर्फ सिंध बल्कि पाकिस्तान बल्कि दुनिया के कोने कोने में जहाँ भी सिंधी बसते हैं वो आपको जानते हैं, और माशाल्लाह एक आपकी एक एक्टिंग का एक अपना ही अलग स्टाइल है, तो आपने सोचा था कि इतना कुछ होगा? नहीं, मुझे इस चीज़ का कोई अंदाज़ा नहीं था कि, क्योंकि देखो मोहसिन भाई, ये फील्ड जो है ना, ये उसमें बड़ा टाइम देना पड़ता है, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, घर के जो है वो क्या कहते हैं कि उनकी नाराज़गियाँ मोल लेनी पड़ती हैं, उन घर वालों की सबके टाइम इसमें ज़्यादा देना पड़ता है। इसमें कोई परफेक्ट नहीं है, इसमें शौक है। स्टार्ट में हम लोग ने, अभी अल्लाह का शुक्र है कि हम अभी कमर्शियल हो गए हैं, अभी किसी टीवी चैनल पर जाते हैं दो चार पैसे मिल जाते हैं, इतने नहीं मिलते हैं जो मिलने चाहिए। फिर भी उस वो दौर था जब हमने घर से भी पैसे लगाए स्टेज ड्रामा करने की, तो शौक था, उस शौक में आ गए कि अल्लाह का शुक्र है कि माँ बाप की दुआओं से, अपनी मेहनत से, उस्तादों की मेहनत से, अल्लाह का शुक्र है। अभी भी वो मकाम हासिल नहीं कर सके जो मेरी ख्वाहिश है, लोग पसंद करते हैं, उनकी मेहरबानियाँ मोहब्बत हैं। हम तो अभी भी छोटे से सीख रहे हैं, छोटे से बनकर। जैसे आपने कहा कि आपके पसंदीदा एक्टर मुस्तफ़ा कुरैशी साहब थे, तो उनसे कभी काम करने का मौका मिला? नहीं, मुझे काम करने का मौका नहीं मिला। एक अभी दो चार महीने साल एक पहले मेरठ होटल पर एक्सलेंट एवार्ड तकरीब थी, उसमें कुरैशी साहब से मुझे मुलाकात हुई। मैंने बोला, दोस्तों ने भी, एजाज बुरडो साहब से मेरी पहली मुलाकात हो गई थी, कुरैशी साहब आ रहे हैं। मैंने कुरैशी साहब का मैं बचपन से मोहब्बत करना, वो मेरा रूहानी उस्ताद है, मैं उसको देख के कापी करता हूँ। तो एजाज बुरडो साहब ने मेरी उसकी मुलाकात की, से ये ठट्ठा से आर्टिस्ट है, वो आपका रूहानी आपको उस्ताद मानता है। और उसने कुरैशी साहब ने बड़े प्यार से मिले, मोहब्बत से मिले, उससे गपशप, वो पहली मर्तबा मेरी मुलाकात। अच्छा, वो फीलिंग्स क्या थी कि आप, मतलब आपको यकीन आ रहा था कि बिल्कुल मुस्तफ़ा कुरैशी साहब है? हाँ, फीलिंग बहुत खुशी हो रही थी, पर मुझे ये अफसोस ये था कि अभी कुरैशी साहब वाला सही ज़िंदगी दे कि उस स्टेज पर आप आके खड़े हैं, कि अभी वो काम कम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। तो मेरी ख्वाहिश थी कि मैं कुरैशी साहब से किसी ड्रामे में या फिल्म में काम करूँ। अभी मेरी ख्वाहिश है कि अल्लाह करे कि वो मेरी ख्वाहिश पूरी हो। तो कुरैशी साहब क्योंकि मेरे बहुत पसंदीदा, जिसको देखकर मुझे ये शौक़ हुआ कि मैं इस फील्ड में आऊँ। सर, इसके अलावा और भी बहुत सारे आर्टिस्ट हैं, उनमें से किसी आर्टिस्ट से आप मुतासर हुए? हाँ, बहुत तमाम बेहतरीन आर्टिस्ट हैं हमारे पाकिस्तान के, जैसे ताल्लुक रखने वाले, जैसे नूरमल आशारी मरहूम थे, अनवर सोलंगी थे, अभी सलाउद्दीन तुन्यो साहब अल्लाह से उसको जो है बड़ी आयाती थे, गुलाब चांडियो थे, ये शफी अहमद शाह, ये बहुत बड़े आर्टिस्ट, फिरदौस जमाल, आबिद अली, ये मुझे बहुत पसंद थे। इनकी एक्टिंग, इनका जो है उनको देखना, उनका अंदाज, जो पीटीवी में जो काम करते थे उनको मैं बहुत पसंद करता हूँ। अच्छा सर, आपकी जो माशाल्लाह एक क्या कहते सेहत के हिसाब से या आपके एक रोब के हिसाब से, तो आप सिर्फ एक्शन ही करते हैं या कॉमेडी भी करते हैं? मैंने एक्शन ज़्यादा किया है, कॉमेडी मैंने कम की है। तो उसमें मैं अपने आप को देखता हूँ कि मैं ये अनफिट हूँ। तो कोशिश की है मैंने उस्ताद याकूब कलोड़ों के दो चार ड्रामों में कॉमेडी करने की कोशिश की है, तो वो कहते हैं कि आपने अच्छी की है, लेकिन मैं उन कॉमेडी में कैरेक्टर से मुतमिन नहीं हूँ। तो मुझे एक्शन कैरेक्टर ही सही, अच्छे एक्शन, सिर्फ एक्शन नहीं, वो जज्बाती एक्टर जो है मेरा, अभी मेरा ये अभी बहुत अच्छा ड्रामा केटिन से अभी अनेर हुआ था, प्रीतिया पंदर, तो उसमें मैं मेरे से, क्योंकि वो कैरेक्टर मेरे को ऐसे नहीं मिले ना, तो मेरे को ऐसे करेक्टर मिले जो उस पर वैरायटी हो, तो इंशाल्लाह उसमें हर करेक्टर करने की मैं कोशिश करता हूँ। अच्छा, और ऐसा कौन सा करेक्टर जो आपका दिल कहता हो कि यार ये एक्टर मुझे करना है, ये करेक्टर मुझे करना है, जो अभी तक आपको ना मिला हो और आपका दिल बहुत चाहता हो? हाँ, वो मेरा करेक्टर दिल अभी भी चाह रहा है कि ऐसा करेक्टर मिले जो स्टार्ट में बिल्कुल वो इतना जालिम किस्म का करेक्टर हो, लेकिन जब उसको चोट लगे तो फिर उसके साथ ऐसा आशर हो कि वो पागल बन जाए,
वो पागलपन में जो उसमें उसके सारा जो हो, तो मुझे उस पागल में जो है किरदार एक्टिंग करके लोगों में जो मेरे दिल की ख्वाहिश है कि मैं उस तरीके से, पहले वो उसका क्या स्टाइल अंदाज़ क्या जुल्म था और फिर कुदरत उसको क्या सज़ा उस करेक्टर को देती है, फिर वो पागल सा बन जाता है, फिर वो उसका हंसना रोना उस तरीके से जो किरदार, इस किरदार की मेरे को। सर आप एक्टिंग के अलावा और भी बहुत सारे काम करते रहे हैं, लेकिन अब आपका नाम एक सहाफ़त में लिया जा रहा है कि सहाफ़ी हजरात, आपका बहुत अच्छे तरीके से मतलब एक मकाम बन गया है सहाफ़त में, तो ये सहाफ़त में कैसे आ गया? हाँ उसमें ये भी बड़ी दिलचस्प बात है कि मेरा दोस्त है वो बहुत सिंध का बहुत बड़ा अदीब राइटर, उसने स्ट्रीट ड्रामों पर अपना किताब लिखा है, आगा ज़फ़र साहब मेरे दोस्त थे, इसका एडिटर बन रहे हैं, कल्याण अखबार थी उनका, वो एडिटर बने तो उन्होंने जो है कोशिश की कि पूरे सिंध का दौरा करूं, हर डिस्ट्रिक्ट का, वहाँ ऐसे साफ़ी लेके आऊं जो ऐसे साफ़ी ना हो जो हर एक चार चार पांच अखबारों में तीन चार चैनलों में फंसे पड़े हो, ऐसा बंदा हो जो किसी इदारे से वाबस्ता ना हो, वो कापी पेस्ट वाला सिस्टम ना हो, एक ही हो जो उसको लेके आऊँ। तो इसमें ठठा में आए तो मुझे फ़ोन किया, अकबर भाई किधर हो? मैं ठठा में हूँ, तो आपसे कहाँ है? तो मिला, मतलब अगर मैं एडिटर बनाऊँ कल्याण अखबार का, आप जो मुझे इसका डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर चाहिए। मैंने कहा बहुत साफ़ी दोस्त है मेरे में, किसी को आपको इस अखबार चाहिए, वो मुझे साफ़ी नहीं चाहिए, मुझे आप चाहिए। मैंने कहा सर मैं फ्रेश पीस चाहिए, बिल्कुल फ्रेश पीस, मैं तो अदाकार हूँ, ये सहाफ़त की इस झंडे में मेरे को नहीं पढ़ाऊँ, मेरे को आती नहीं चाहिए, आ जाएंगे वो, मैं बैठा हूँ, कोई इसमें को अंग्रेज़ी फारसी नहीं है इसमें, आप जो है एक्टर ही साफ़ी है, ये शोबिज़ का जो है शोबिज़ का बंदा और साफ़ी, ये आपस में अलग नहीं है, इसमें आपको काम करना है। उसने मुझे ज़बरदस्ती उसका नोटिफिकेशन डिस्ट्रिक्ट का दिया कल्याण न्यूज़ का, तकरीबन 7-8 साल पहले, तो उस तरीके से हादसाती तौर पर मैं साफ़ी बन गया। जो साफ़ी का रोल है होना चाहिए वो शायद मैं अभी नहीं निभा सका, क्योंकि मुझे मेरा शौक मेरा जो सिस्टम जो ऐसे एक्टिंग की तरफ है, फिर भी दोस्तों की मेहरबानी या मखली प्रेस क्लब के दोस्तों की मेहरबानी, वो मेरे से मोहब्बत करते हैं, मैं उसका क्लब का मेंबर भी हूँ, मैं जनरल सेक्रेटरी भी रहा हूँ, नायब सदर भी रहा हूँ, जॉइंट सेक्रेटरी रहा हूँ, अभी मैं एग्जीक्यूटिव कमेटी का मेंबर हूँ, तो वो मुझे जिम्मेवारियाँ भी देते हैं, मुझसे मोहब्बत भी करते हैं, थोड़ी बहुत हमारी सहाफ़त भी चल रही है। अच्छा सर मुझे ये बताएं कि आपने सहाफ़त भी कर ली, एक्टिंग तो चल रही है, एक्टिंग का शौक़ ऐसा है कि ख़त्म ना होने वाला है, लेकिन उसके अलावा आपने सियासत भी की है, ये क्या माच रहा है? एक बंदा सियासत भी कर रहा है, एक्टिंग भी कर रहा है और सहाफ़त भी कर रहा है, सियासत में कैसे आ गए? हाँ सियासत में मैं आया था जब ठट्ठा शुगर मिल में मैं काम करता था, तो उस वक्त मुझे डॉक्टर कादर मक्सी साहब की सिंध तरक्की पसंद विंग बनी थी, जे सिंध तरक्की पसंद विंग, उसमें कुछ दोस्त थे मेरे करीब, उन्होंने मुझे उसमें सियासत में ला गए, तो फिर मैं डिस्ट्रिक्ट का प्रेसिडेंट बना सिंध तरक्की पसंद मजदूर फेडरेशन का, तो फिर मैं उसके बाद जो वो मैंने छोड़ी, फिर मैं आ गया मुस्लिम लीग नून में, मैं मुस्लिम लीग नून का यूथ का सबका सदर भी हूँ। इस वक्त भी दोस्त आए थे जो अनवर सुमरो साहब, कमर जमा, राजपाल साहब, वो फिर मुझे जो है ऑफर कर रहे थे, लेकिन अभी थक गया हूँ, अभी मैंने कहा यार इतने सारे मसले, क्योंकि मैं अभी सिंध फनकार वेलफेयर ट्रस्ट का ज़िले का सदर भी हूँ, अपनी मेरा सोशल वेलफेयर आर्ट काउंसिल भी है, उसके अलावा मैं कल्याण महिला अवार्ड हर साल करता हूँ, तो एक बंदा इतने सारे काम जो है अभी नहीं कर रहा था। मैंने दोस्त ने माजर की कि मैं अभी सियासत का हिस्सा भी नहीं बनूँगा। और नाजरीन ये भी बताया जाता चलूँ कि कल्याण ममता अवार्ड जो ना सिर्फ ठट्टा के आर्टिस्टों को या सियासतदानों को या सोशल वर्करों को दिया, लेकिन पूरे सिंध के फनकारों को बल्कि पूरे पाकिस्तान के फनकारों को ये अवार्ड मिल चुका है, और हर साल बाकायदगी से ये प्रोग्राम होता रहता है, और इस साल भी ये प्रोग्राम हुआ था, लेकिन इतनी मेहनत आप करते हैं सर, तो ये अवार्ड में तो फिर फड्डे भी होते हैं, या किसी को मिला किसी को नहीं मिला, इसमें भी बड़े झंझट होते हैं। हाँ इसमें होते हैं, उसमें पहले साल जो मैंने किया था ना उसमें हुए, फिर दूसरे साल में कम हुए, तीसरी में कम हुए, चौथी में कम होते रहे, अभी अल्लाह का शुक्र है कि मेरे पास कोई ऐसा जो है आर्टिस्ट या मुख्तलिफ शोबे का जो अच्छा जिसने किरदार अदा किया होगा, तो हो सकता है कि वो मेरी नज़र से ओझल हो गया होगा, रह गया होगा, वरना मैं इस 5 सालों में कोई ऐसा, क्योंकि मैं हर साल 200
150-200 अवार्ड होते हैं मेरे पास, तो उनको सबको मैंने कोशिश की दिया, डबल भी दिए, क्योंकि वो डबल इसलिए दिए कि वो उन लोगों की हर साल अच्छी कारकर्दगी रही है। एक होते हैं ना साल में काम करके छोड़ जाते हैं, वो लोग जो है जस्तुजू जारी रखते हैं, तो उसमें मेरी भी दिल की खुशी होती है, ख्वाहिश होती है कि उनको अवार्ड देते रहें कि वो और ज़्यादा काम करें। अच्छा सर, ऐसा तो नहीं होता कि जिनको आप अवार्ड देते हैं वो भी आपको अवार्ड देते हैं, फिर आप उनको देते हैं, ऐसा भी होता है? नहीं, मैं आपको ये मज़ेदार का बात बताता चलूँ कि यहाँ 5 साल मैंने अवार्ड मुख्तलिफ शोबों में, मुख्तलिफ जो एन जी ओज या ये जो समाजी रहनुमा है वो खुद प्रोग्राम करते रहते हैं, तो मेरे को पता नहीं है कि वो अवार्ड तो दूर की बात है कि उन्होंने आज तक मेरे को अपने प्रोग्राम में मेहमान भी नहीं रखा है कि आओ कि आप हमारे प्रोग्राम में मेहमान हो, तो अवार्ड की दूर की बात है। लेकिन मैं ये कभी भी ये नहीं सोचता कि इन्होंने मेरे को दावत दी नहीं दी, ये अच्छा उनका किरदार है, वो चाहे भले मेरे से नहीं उनकी बनती हो लेकिन मैंने उनको अवार्ड दिया है। अच्छा अकबर भाई, मुझे ये बताएं कि ज़िंदगी में कोई ऐसी खुशी जो मतलब आपका दिल जो है बाग बहार हो गया हो? हाँ, खुशी, देखो खुशी और गमी जो है ज़िंदगी के एक ऐसे हिस्सा है, तो हमारी खुशी जब हुई कि हमने जब हमारे ठट्ठा शुगर मिल बंद हो गई, हम लोग सारे बेरोज़गार बन गए, और उसमें 2005 में जब हमारे मज़दूर जो यूनियन थी उन्होंने जदोजहद की कराची में, लाठें खाई, पानी के उनके ऊपर पानी बरसाया गया, लेडीज़ को गिरफ्तार किया गया, बहुत बड़ा तशद्दुद किया गया। उसके बाद 2005 की हुकूमत ने हमें ठट्ठा शुगर मिल, दादू शुगर मिल वालों मज़दूरों को मुख्तलिफ सरकारी इदारों में ज़िम किया, जो रोज़गार मिली, तो क्योंकि रोज़गार से बड़ा और कोई भी खुशी नहीं होती, वो बड़े खुशी का दिन था हमारे। अच्छा सर, प्यार और मोहब्बत के बारे में क्या ख्याल है? मैंने मोहब्बत की थी छोटी सी उम्र में, वो पहली मेरी मोहब्बत थी, वो पहली मोहब्बत ही नाकाम हो गई, वो कामयाब जो है नहीं, क्योंकि उसमें जिनसे मैंने मोहब्बत की उसका कोई कसूर ना था, कसूर मेरा था, मेरा भी कसूर नहीं था, कि वो एक गाना नहीं है कि बेवफा हम हरगिज ना थे मगर वफा हम कर ना सके, तो इस वजह से कि वो चीज़ उधर रह गई, कि वो भी अपने घर वाली हो गई, हम उधर के उधर रह गए। अच्छा, उसके बाद फिर आपने शादी वादी की या उसी के इश्क में बस मजनू बन गए? माशाल्लाह 2 शादियाँ की हैं। माशाल्लाह 2? हाँ, 2 की है। अभी 17 अगस्त को मैंने अभी शादी की है, 5-6 महीने हुए, उससे पहली वाली शादी मैंने उनसे 95 में की थी, 95 में, उसमें मेरे को एक मेरी बेटी है माशाल्लाह, उसकी भी शादी हो गई है, उसकी 2 बच्चियाँ भी हो गई हैं, अभी एक अभी जो कहते नहीं है कि सिंधी में कहते हैं कि पुराने भाण के बाहे लगी है वो हाने मुझे इश्क जो अरे इश्क उथली पियो तो वो ये अभी शादी की जो है 17 अगस्त को। अच्छा, ये इश्क हुआ या हादसा ही हुआ? ये दोनों हो गए, मैंने एक हादसा भी था उसमें मोहब्बत का इश्क का भी अंसर शामिल था, असल में हादसा हुआ कि वहाँ वो उनके जो हालात थे, जो उनके जो मसाइल थे, उसको एहसास हुआ, मसाइल को हल करते 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 वो एहसास मोहब्बत में तब्दील हो गया। मतलब आपने मदद की, हेल्प की थोड़ी बहुत, मदद की तो उन्होंने भी, जो उनकी मोहब्बत हो गई, हमारी भी थोड़ी चाहत थी, लेकिन हम शादी करने के मूड में नहीं थे, मैं कहा उनकी हेल्प करें, उनको अपनी अच्छी जगह पे उनकी शादी हो जाए, वो खुश रहे, तो उन्होंने बोला कि आपसे बेहतर हमें मोहब्बत करने वाला बंदा नहीं और क्या चाहिए, ऐसा आर्टिस्ट जो ना सिर्फ आर्टिस्ट, ना सिर्फ साफ़ी, ना सिर्फ सियासतदान, बल्कि ज़िंदगी के और बहुत शोबों में भी कामयाब रहा, उसके अलावा सर आपने सोशल वर्क भी बहुत किया है। हाँ, वो असल में हमारा अल्लाह उसको और भी तरक्की दे, अभी DIG है सखर मोहतरम फिदा हुसैन मस्तूई साहब, वह यहाँ SSP थे, तो उसी दौरान हमारी एक रज़ाकार टीम बनी थी, तो उसमें हमने काम किया कि यहाँ बहुत सारे ऐसे मरीज़ थे जो उनका मर्ज नासूर बन जाता था गुर्बत की वजह से, वो भराड़ी को लोग जगह में रहते थे, इलाज नहीं करा सकते थे, तो हम सिर्फ ये करते थे कि उन कैस की निशानदेही करते थे, फिर जो SSP साहब फिदा हुसैन मस्तूई साहब जो अभी DIG साहब,
तो वो उसका एक्शन लेते थे, हमें अपना रजाकार बना दिया, उन लोगों को हम इधर लेके आते थे एसपी ऑफिस में, फिर वो अपने एम्बुलेंस में पैसे देते थे डॉक्टरों को, वो फ़ोन कर देते थे, हम लोग उनको वहाँ जाके पहुँचाते थे। उसमें बहुत सारे लोगों जो है उनके मर्ज ठीक हुए, जिसमें कैंसर भी थे के मरीज़ भी थे, हेपाटाइटिस सी के मरीज़ थे, जिसमें पता नहीं कितनी कितनी ऐसे जिनकी आँखें पैदाइशी आँखें नहीं थी या आँखें थी तो ख़राब हो चुकी थी, उनके सारे उनके ऑपरेशन हुए, वो आज ये खूबसूरत दुनिया देख रहे हैं। वो ये काम अल्लाह का शुक्र है कि उसमें हमारा ज़मीन थोड़ा ये बहुत जो मुतमिन हुआ। उसके बाद हमारा और एसएसपी अल्लाह सही उसको जन्नत नसीब करे हसीब बेग साहब आए, हाजी साहब, उनको मैंने अर्ज़ किया तो उन्होंने फिर ये जो आपको देख रहे हैं मकली के सैलानी सैलानी ये हसीब बेग साहब की मेहरबानी से लगा जामा मस्जिद में सैलानी ट्रस्ट जो ये हसीब बेग साहब की मेरे रिक्वेस्ट करने पर उन्होंने बोला कि ऐसा काम करें कि लोगों को ज़्यादा सारी ज़िंदगी रिलीफ मिलता रहे, तो ये भी काम किए हैं। अभी बहुत सारे जो है ऐसा कोई हमारे पास ऐसा बंदा तकड़ा नहीं है, क्योंकि हम कमज़ोर लोग हैं कि हमारे पास इतने वसाइल नहीं है, दिल तो करता है कि ये काम और भी हम ज़्यादा से ज़्यादा करें, लेकिन फ़िदा हुसैन मस्तू ही नहीं है, उस जैसा कोई बंदा नहीं है, या इस सीट पर जो भी आए हैं वो कमाने के चक्कर में ही हैं, तो दिल ख्वाहिश है कि फिर छठा में ऐसा एसएसपी फ़िदा हुसैन मस्तू जैसा बंदा आ जाए जो ये जज्बा रखता हो तो हम उसके साथ खटेंगे। सर ये तो एसएसपी साहब थे, उनकी तो जॉब थी, ड्यूटी थी, लेकिन उन्होंने फिर भी खिदमत खल्क की, तो ये हमारे सियासतदान क्या कर रहे हैं, इतने वोट लेते हैं, ये इतना वो क्या कर रहे हैं, उनसे आप कोई सवाल नहीं करते, ऐसे सहाफ़ी तो सवाल कर सकते हैं। बहुत सवाल किए हैं, बहुत पोस्टें, बहुत सारे बयान, ये हमारे ऊपर से हुक्मरान लेकर नीचे तक उनके कानों में कप्पा पड़ी हुई है, और वो कहते हैं कि मगर शर्म इनको आती नहीं। तो हमारे यहाँ बदकिस्मती है कि लोग वडेरों के चक्कर में और उनके जो है चक्कर में फंसे पड़े हुए हैं, तहलीम है नहीं, तहलीम होती रोज़गार नहीं है, रोज़गार वाला बंदा अपने जो थोड़े से बहुत अगर कोई चपरासी भी है ना, वो भी हमारे इस सियासतदान के पीछे नहीं पड़ता, क्योंकि उसका अपना रोटी रोजी मिल जाती है। वो लोग जो हमारे 70% लोग जो अनपढ़ हैं, जो बेरोज़गार हैं, जिनको ये जो भराड़ी में रहते हैं, जो ये वडेरे जो ये सियासतदान उनको झूठी FIR दाखिल करके उनको बंधवाते हैं, फिर छुड़वाते भी हैं, ये उनकी सियासत चलती है। जब तक हमारी तैलीम आम नहीं होती, जब तक हमारे लोगों को रोज़गार नहीं मिलता, तो ये झूठे सियासतदान हमारे ऊपर थापते रहेंगे, हम ऐसे जो है मुसीबतें काटते रहेंगे। अच्छा सर, आप एक्टिंग में भी अपनी जो वडेरा जो आपका कैरेक्टर है उसमें भी आप इस्लाही करते हैं, तो उसमें कोई ऐसा कोई वाकया आपकी ज़िंदगी का कोई ऐसा इस्लाह करते हुए या एक्टिंग करते हुए कुछ ऐसा कुछ हुआ हो, कुछ जो आपको याद हो? हमने एक ड्रामा किया था, आपको याद भी होगा कि उसमें फिदा हुसैन मस्तू साहब चीफ गेस्ट थे, अनमोल ज़िंदगी के नाम से ये प्रोग्राम हुआ था, ये जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है इसमें, तो इसमें मैंने उसमें करेक्टर किया था, एक सेठ का करेक्टर था जो को गुटका फैक्ट्री का मालिक होता है, उसमें करेक्टर ये होता है, वो लिखा भी मैंने था, तो उसमें ये करेक्टर होता है कि वो गुटका फैक्ट्री कहता है कि भाई यूनिवर्सिटियों में स्कूलों में ये गुटका को सप्लाई करो, लोग उसमें ऐसी चीज़ मिली होती है कि एक मरतबा भाई अगर उसको गुटका कोई खाता है उसका आदि बन जाता है, फिर वो छोड़ नहीं सकता, कि उसका एक ही बेटा होता है, वो बोलता है कि मैं इतना अमीर बन जाऊँ, अपने लोगों को बोलता है कि वो इतने पैसे हो गए, आइंदा इलेक्शन में अपने बेटे को इस सीट पर MLA बनाऊँ, मिनिस्टर बनाऊँ, फिर ये SP DC जो भी है वो मेरे कंट्रोल में हो, तो फिर ऐसे आके लोग कहते हैं यार वो मर रहे हैं कैंसर में इतने बड़े, उसमें मेरा क्या, फिर कुदरत ऐसा होता है कि उसी में देखा है कि उसका एक ही बेटा वो भी गुटके का मवाली बन जाता, आदि बन जाता, उसको कैंसर हो जाती है, तो फिर वो आके वो मरता है, तो फिर वो कहता है कि यार देखो मैं कल तक वो मर गया, फिलाना मर गया, आचार मर गया, खमू मर गया, मेरे को कुछ नहीं हुआ, आज जब मेरा अपना बेटा मरा है तो मुझे ये एहसास हुआ है कि जिस एक ही मेरा बेटा था, इस ये सारी दौलत इसके लिए मैं कर रहा था, अगर वो आज वो ही नहीं है तो ये मिलकर तो ये दौलत मेरे किस काम की है, तो मैं उनको लोगों को कहता हूँ खुदा के वास्ते ये सब चीज़ें वो जो फैक्ट्रियाँ चलाते हैं जो ये काम करते हैं ये मंशा का काम बंद कर दो, वरना ऐसा जैसा मेरे से जैसा हुआ है ऐसा आपको भी हो सकता है। तो इसमें लोगों ने उसमें हमारी सिंध की बड़ी आर्टिस्ट नसर नाज भी थी जिसने ये बड़ा पैगाम दिया, फिर लोगों ने जो गुटके पड़े हुए थे जो उनके जेबों में थे वो स्टेज के ऊपर आके गिरे थे और सारा स्टेज भर गया था, तो ये जो है चीज़ बड़ी खुशी हुई कि किस कैरेक्टर की वजह से
स्टोरी की वजह से कि लोगों के दिल में ये चीज़ पैदा हुई, एहसास पैदा हुआ यार ये तो चीज़ गलत है। चलो इसमें 400-500 बंदे थे, उसमें 4-5 बंदों को एहसास होगा, 10 बंदे तो सुधर तो गए होंगे ना, तो कम से कम उसका जो औलाद होगा उसको सुधारेंगे भाई ये गलत चीज़ है। तो ये चीज़ थोड़ा काम हमारे अपने हिस्से का करना चाहिए हम लोगों को। सर हमारे ठट्टा के हवाले से अगर बात की जाए तो कहते हैं कि गुटखा पान पहचान है ठट्टा वालों की, तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा मुंह भी साफ है ये और आपके दांत भी साफ है माशाल्लाह, तो आप कभी आदी नहीं हुए इसके? नहीं मैं ये मज़ेदार बात आपको बताऊँगा, मैं पूरे सिंध में शूटिंग करने जाता था तो वहाँ मेरा तार बता था कि ठट्ठा से है, तो लोग कहते हैं ठट्ठा के आपके बाद पान तो होगा गुटखा तो होगा, मैंने कहा मैंने खाद खाया नहीं है, ठीक है फिर तो आप ठट्ठे गए नहीं है, नहीं ये पहचान बन गई, बाकी हमारी ये पहचान बन गई है। बदकिस्मती से कि पहले जो हमारे SSP साहब हसीब बेग साहब आए थे उसने थोड़ी इसमें सख्ती की, सेठर साहब आए थे उसने सख्ती की, लेकिन माशाल्लाह अभी हमारे जो SSP साहब बैठे हैं नौजवान हैं सी पास करके इस पोस्ट पे बैठे हैं, पता नहीं उन्होंने तो छूट दे दिए सब, पहले तो छालियाँ महंगी हो गई थी कम हो गई थी, लेकिन अब तो हर बच्चा आम हो गया। मैं आपके इस चैनल से गुजारिश करूँगा SSP साहब को, आप नौजवान हैं आप खुदा का तर्स करें अच्छी पोस्ट पर बैठे हैं आपके पास डंडा भी है, तो इन मंशा फरोशों के खिलाफ आप एक्शन लें, इनकी मंथली ना लें, ये मंथली आपके किसी काम के नहीं होगा, ऐसा नहीं हो कि गरीब का बच्चा मरेगा तो हो सकता है कि इसका असर आप लोगों के ऊपर भी हो जो ये काम करते हैं। सर आखिर में हमें कोई अपना एक ऐसा मशहूर डायलॉग जो आप हमें बता सकें हमारे नाज़रीन को बता सकें। सिंधी में बताना पड़ेगा ना या उर्दू में? सिंधी में उर्दू में आपकी मर्जी है, आर्टिस्ट की कोई जुबान नहीं होती। तंजे वाचन माया खीर पवे पुट तो असन के नथो सुजानी असी वासिंग नांग आयो नांग नविछ वासिंगन सा वेर एकड़ो डंग ब न सही सगंदे अबे डाडे जे दुआन सा। गुड जबरदस्त सर माशाल्लाह आपने बहुत सारे कैरेक्टर किए हैं और आपकी ख्वाहिश जो है वो पागल के कैरेक्टर की वो भी इंशाल्लाह आपकी पूरी होगी। अच्छा अपकमिंग कोई ऐसा प्रोजेक्ट जो नाज़रीन को हम बता सके कि अकबर भाई का कोई नया प्रोजेक्ट आ रहा है? हाँ इंशाल्लाह अभी हमारा नया चैनल सिंधी आया है भिटाई चैनल नेटवर्क, उस पर हम काम कर रहे हैं, 1 तारीख के बाद हमारा जो है जिनमें एक प्रोग्राम नाम है खिलंदे खिलंदे यार, उसमें मुख्तलिफ खाके दिखाएंगे सही। उस चैनल के लिए दूसरा स्टूडियो सा प्रोग्राम होगा जिसमें मुख्तलिफ करेक्टर आते जाते रहेंगे, ये दो प्रोग्राम ये दोनों स्टूडियो प्रोग्राम होंगे वो इंशाल्लाह इधर ठट्ठे में ही हम रिकॉर्ड करेंगे वो अपने भिटाई चैनल को देंगे, और आपके चैनल से तवस्त मैं उन दोस्तों से जो है करता हूँ जो जो लोग मेल या फीमेल जो अपने आर्टिस्ट जो काम करना चाहते हैं वो आए हमारे से रब्ता करें, मैंने लाड रीजन का मेरे को उनका नुमाइंदा बनाया इसका भिटाई टेलीविजन नेटवर्क का सिजावल ठट्ठो टंडो बामुकान थर पारकर तक जो आपका पैगाम वहाँ तक जहाँ तक पहुँचे इन लाड रीजन पर वो आर्टिस्ट रब्ता करें इंशाल्लाह उनको हम काम देंगे। थैंक यू सर बड़ी मेहरबानी आपकी, आपने हमें टाइम दिया और इतनी खूबसूरत बातें बताई, इंशाल्लाह सेहत और ज़िंदगी ने साथ दिया एक बार फिर आपसे मुलाकात होगी। और नाज़रीन अगर आपको भी अकबर भाई का इंटरव्यू पसंद आया तो अपने कमेंट ज़रूर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल के बटन को ज़रूर दबाइएगा ताकि हमारे दूसरे वीडियो भी आप तक पहुँचें। आपकी भी बड़ी मेहरबानी कि आप हमें प्यार देते हैं मोहब्बत देते हैं, थैंक यू सो मच। इसके साथ और सुनारियों को दिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।